बंगला नंबर 60 स्थित पुरानी नगर पालिका में आयोजित नीमच नगर पालिका परिषद के तीसरे सम्मेलन में आज सभी 32 प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गए। पिछली दो बैठक की तुलना में इस बार पार्षदों ने शहर हित में रचनात्मक और सार्थक चर्चा की। कुछ प्रस्तावों पर जरूर सकारात्मक बहस हुई, लेकिन बाकी सभी प्रस्ताव आम सहमति से पास हो गए। बैठक लगभग 1.5 घंटे चली। बैठक में लगभग 10 पार्षद मौजूद नहीं थे। नगर पालिका अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए पिछली बार लगाई गई जाली इस बार नदारद थी। बैठक के प्रारंभ में राकेश किलोरिया और योगेश प्रजापत ने सिवरेज लाइन को लेकर इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण हो रहे घटिया निर्माण की ओर ध्यान आकर्षित किया और निगरानी रखने की बात कही। राकेश किलोरिया ने वार्ड नंबर 1 में कोई भी सफाई कर्मी न होने की बात उठाई। योगेश प्रजापति ने राजनीतिक द्वेषता के चलते अपने वार्ड में नगर पालिका अध्यक्ष पर काम न करवाने के आरोप लगाए। कुछ मुद्दों पर नगर पालिका अध्यक्ष ने एजेंडे से हटकर बात करने को लेकर सख्त नाराजगी व्यक्त की। अधिकांश पार्षदों की बैठक में ये शिकायत मुख्य रूप से ऊपरी की अधिकारियों द्वारा पार्षदों के फोन नहीं उठाए जाते, नगर पालिका में अधिकारी समय पर उपलब्ध नहीं होते और पार्षदों को उचित सम्मान नहीं मिलता। बैठक में बंगला नंबर 60 की जमीन गर्ल्स कॉलेज को खेल मैदान हेतु आवंटित किए जाने के प्रस्ताव पर जमकर बहस हुई। राजेश वानी ने कहा कि बंगला नंबर 60 की जमीन आवासीय योजनाओं के लिए रिजर्व रखी जाए। गर्ल्स कॉलेज के खेल मैदान के लिए करोड़ों की जमीन की बलि नहीं दी जा सकती। कांग्रेस के पार्षदों ने भी बंगला नंबर 60 की जमीन के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि निलेश पाटीदार के बोलने पर भी कांग्रेसी पार्षदों ने तल्ख लहजे में आपत्ति व्यक्त की। इस प्रस्ताव पर मत विभाजन में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कांग्रेस के हरगोविंद दीवान तथा भारत अहीर ने समर्थन दिया। वहीं निर्दलीय राजेश लालवानी और कांग्रेसी पार्षद विरोध में खड़े रहे। शहर की सबसे जटिल समस्या बंगला बगीचा एरिया के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा किसी पार्षद के द्वारा सम्मेलन में नहीं हुई। बैठक में सीएमओ गरिम पटीदार, पार्षद प्रतिनिधि, नगर पालिका के अधिकारी, इंजीनियर और स्टाफ मौजूद रहे। इस प्रस्ताव थे और सारे ही प्रस्ताव बहुमत से ही पास हुए हैं और कुछ मेन जो इसमें थे हमारे व्यवस्थापन के भी थे। साथ ही साथ इसमें जो हमने कन्या जादू जो हमारा विद्यालय है महाविद्यालय इसके लिए ज़मीन आवंटित की है ताकि वहाँ पर खेल मैदान बन पाए और बाकी अलग अलग जो प्रशासन की स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति के जो हमारे प्रस्ताव थे वो पारित हुए हैं। मैडम एक चीज़ देखने में ये कि शहर के मुख्य चौराहा मेसी शोरूम पे जो है सिग्नल लगाने का प्रस्ताव पास किया गया, तो ये शहर की बात है, अच्छी बात है, लेकिन पूर्व में भी सब्जी मंडी चौराहा में एक सिग्नल लगा हुआ है जो कि आज तक चालू नहीं हुआ, उसको लेकर क्या करें? जिस सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी वो अध्यक्षता कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें ये डिसीजन दिया गया है। तो नगर पालिका जो है हम एजेंसी है तो हमें ये कार्य उनके लिए कराना है। पीएम आवास को लेकर भी जो मुद्दा चर्चा उठा 27 नंबर पे विरोध हुआ है जिसमें कांग्रेस ने भी और बीजेपी के निर्दलीय पार्टी पीएम आवास 27 नंबर पे नहीं है, वो आवासीय कॉलोनी बननी चाहिए बंगला नंबर 60 का और खेल मैदान वाला मुद्दा आपके लिए क्या प्रायोरिटी, गरीब है खेल मैदान है? देखिए बंगला नंबर 60 जो है वहाँ पर हमें जो अभी कन्या महाविद्यालय ने अगर कुछ ज़मीन मांगी है ताकि कन्याएं खेल पाएँ, पूरे ज़िले में एक ही हमारे यहाँ पर जो है वो कन्या महाविद्यालय है और उसके पास भी खेल मैदान नहीं है। मुझे लगता है कि कन्याओं को हम खेल कूद में आगे बढ़ाएं उसके लिए ज़मीन हम चाहते हैं उनको दें। वहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन है तो अगर 2 एकड़ ज़मीन इसको दे भी दी जाएगी तो हम आवासीय फिर भी वहाँ पर कोई अच्छी नई प्लानिंग ला सकते हैं। आवासीय कॉलोनी नहीं बनी है जी, आवासीय कॉलोनी के लिए हमारे पास और भी भूमि है और उसको भी हम आने वाली परिषद में लेकर आएंगे कि एक आवासीय हम करें ताकि गरीबों को आवास मिल पाए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कन्या महाविद्यालय अगर हमने ज़मीन मांगी है और अगर हम दे सकते हैं तो क्यों ना कन्याओं को खेलने के लिए कोई जगह प्रोवाइड की जाए। दूसरी बात अगर हम बात करें कि हम पूरे शहर हित में भी चाहते थे कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, उसके लिए क्रमांक 12 में या फिर कोई और जगह हम देख रहे हैं जहाँ पर एक बड़ा खेल मैदान बन पाए जो पूरे शहर के लिए हो, जहाँ पर शहर के सारे बच्चे खेलें, तो ताकि एक आवासीय कॉलोनी भी हो, कन्या महाविद्यालय के पास भी खेलने की ज़मीन हो और साथ ही साथ एक पूरे शहर के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हम प्लान करना चाहते हैं। शहर की सफाई व्यवस्था जी, उन्होंने जो डिमांड किया है जो वहाँ पर जो हमारे पास आवेदन आया है वो हमारे पास कन्या महाविद्यालय से आया है और 2 एकड़ में वो बनाएंगे, ये ज़मीन हमने उनको दी है और उनकी प्लानिंग वो करेंगे कि वो इंडोर आउटडोर क्या बनाना चाहते हैं, ये उनका लुकआउट रहेगा। तो मैडम 2 एकड़ ज़मीन दे देंगे और आप उस पे इतना छोड़ रहे हो, ये तो प्लानिंग की कमी है। देखिए शासन जो होता है ये जो है ये खेल प्रशासन में जाएगा, ये जो ज़मीन है उसके बाद खेल प्रशासन जो है वहाँ से एक योजना तैयार होकर आएगी, खेल मंत्रालय है वहाँ तक हम चाहते हैं कि खेल मंत्रालय यहाँ पर एक अच्छी प्लानिंग लाए, आगे हमने उनको वो जमीन दी है। पिछले दिनों जालियाँ लगाई गई थी, आपको लगता है आपका डिसीजन गलत है इसलिए वापस हटानी पड़ी?
देखिए जालियां ऐसे लगाई गई थी कि आपने देखा कि पिछली परिषद में हमसे माइक छीन लिया गया, पहली परिषद में हमारे कागज फाड़ दिए गए। आप देखिए कि जो परिषद की जो हम संचालन करने में हमको इतनी दिक्कत आ रही थी कि हमारे हाथ से कागज़ फाड़े जा रहे थे और हमारे ही ओएस के हाथ से माइक छीना गया, तो आप बताइए कि हम उस स्थिति में क्या करते, क्या परिषद की बैठक की गरिमा डर हो गया था। आज भी तो परिषद का सम्मेलन अच्छे से हुआ है। देखिए डर नहीं हुआ था, ये उसी वजह से जो पिछली बार हमारा शक्ति प्रदर्शन था और हम लोगों ने बहुमत से प्रस्ताव पास किए और हमने उनको संदेश क्लियर दिया कि आपकी ऐसी बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी लेवल पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आज वो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि उनको ये बात समझ में आई। की सफाई व्यवस्था की अगर बात करें मैडम, तो कुछ पार्षदों ने जो है कि ये बात कही है कि उनके जो वार्ड है उनमें सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं होती, तो क्या कर्मचारी को कमी मानी जा सकती है नगर पालिका जी? ऐसा उन लोगों का बोलना है कि कुछ कुछ वार्ड में कर्मचारियों की कमी उनको है। मैंने टाकवाल जी जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं हमारे HO, उनको मैंने साफ शब्दों में उनको बोल दिया गया है कि शहर की सफाई से हम किसी भी तरह का कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर हमें लगता है, जैसे मैंने पूरी जानकारी ली है, सफाई में जो हमारे पास सफाई हमारे मित्र हैं उनकी जो संख्या है, अभी वो देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से वो ठीक है, जो नियमित की जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे सफाई मित्र की जो संख्या है वो ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से शायद हमारे यहाँ पर कुछ जनसेवकों की कमी है सफाई। तो अगर ऐसा हुआ जैसे रावण डुंडी एक एरिया थोड़ा दूर हो जाता है, वहाँ पर अभी सफाई मित्र नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो अगर नई भर्ती भी करनी पड़ी तो हम आने वाली परिषद में और सफाई मित्र हम जो नए हैं उनकी भर्ती करेंगे। लीज नवीनीकरण के मुद्दे में शहरवासी उलझ गए, 335 का प्रस्ताव पास करके खाली वाह वाही लूटी गई। आपको लगता कहीं ना कहीं एक सोच समझ या सही ढंग से प्रस्ताव नहीं लाया गया, इसके चक्कर में परेशान है लोग? जी प्रस्ताव अच्छा था, कांग्रेस वालों ने जो किया शहर के साथ वो बहुत गलत किया। उन्होंने एक अच्छे प्रस्ताव को, जो 2.5 साल से लंबित मामले थे, जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, गरीब परिवार थे, उनके लीज नवीनीकरण रुकवा दिए गए। और कांग्रेस ने जो आपको पता है कि आगे उन्होंने ही हमारे खिलाफ जो वो आगे उन्होंने स्टे लाया था, उसके लिए मैं ये निंदनीय उन्होंने जो हरकत की है उसके लिए मैं बहुत, मुझे लगता है, मुझे बड़ा ही दुख है, क्योंकि जो परिवार है उनकी कोई गलती नहीं है। MOS का उल्लंघन MOS का जिक्र क्यों किया उसके अंदर, प्रस्ताव में लाना ही क्यों होता जब आपको पता है? आपकी बात आप समझिए, 2.5 साल से जो फाइलें पड़ी थी हमारे पास, उस फाइल में हमारे इंजीनियर की टिप लगी हुई थी कि इस भूखंड में MOS का उल्लंघन है। तो जो टिप लग जाती है फाइल के ऊपर, उसके ऊपर हम टिप को काट तो नहीं सकते हैं, उस पर कोई डिसीजन हमको लेना था। तो हमने ये कहा था कि MOS का उल्लंघन भी अगर है तो लोक निर्माण विभाग उसकी अलग से कार्रवाई करे। चूंकि MOS का उल्लंघन का मामला जो आता है वो लोक निर्माण में आता है और लीज नवीनीकरण जो आता है वो राजस्व विभाग में आता है, तो राजस्व विभाग की जो ड्यूटी है कि वो लीज नवीनीकरण करे, और जो MOS का उल्लंघन का मामला है वो जो हमारा लोक निर्माण विभाग है उसके लिए प्रत्यक्ष से कार्रवाई करेगा। हमने उसमें भी यही लिखा था। तो हमारा और स्टे हमारे इस पे जो है वो आंशिक से हटा दिया गया है, और हमने जो पारित किए हैं वो जो नियम 17 है उसके धारा 6 के तहत हमने एकदम सही लीज नवीनीकरण किया था, और आप आने वाले दिन में देखेंगे कि हमारा जो निर्णय था वो एकदम सही था, और उसके लिए हम पूरी तरह से उसको आगे बढ़ा के लीज नवीनीकरण लोगों का करेंगे। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।